फैमिली कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या आने वाले हैं और क्या आपका डीएम एक्शन लेने वाला है कोई आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ठीक है? और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स, हीलिंग्स या जो कुछ भी लेना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, मेरे रीडिंग्स के चार्जेस है 400 पर क्वेश्चन, जो आपको वीडियो कॉल में मिल सकता है या ऑडियो कॉल में, मर्जी आपकी। ऑल्सो गाइज, हम लोग जो है बड़ी वाली जो ट्विन फ्लेम रीडिंग रहती है वो 1100 की होगी। अगर आप लोग को सिर्फ ये जानना है कि मैं इनर वर्क खुद से क्या करूँ, तो वो चार्जेस होंगे 350। आने वाले गाइज हीलिंग्स रहने वाले हैं, पोर्टल हीलिंग, और पोर्टल हीलिंग के बाद हम लोग करेंगे कोई और एक हीलिंग जो ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वो मैं पोस्ट कर दूंगी जुलाई के हीलिंग्स क्या है कम्युनिटी पोस्ट पे। गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना इंगेजमेंट कम्युनिटी पोस्ट पे बनाए रखें, क्योंकि गाइज मैं अर्जेंट रियलाइजेशंस, अगर मैंने कुछ रियलाइज़ किया मैं फटाफट वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में तब के तभी डाल देती हूँ। और अब मैं गाइडेड हूँ गानों की तरफ। तो अगर आपके डीएम आपको कोई सॉन्ग देना चाहते हैं, तो वो सॉन्ग क्या हो जाता है, जब मैं डीएफ एनर्जी में होती हूँ ना, ऐसे सामने से आ जाता है। मैं कुछ भी प्ले कर रही हूँ, वो सामने से सॉन्ग प्ले हो जाता है अचानक से। मतलब वो सॉन्ग आ जाता है कि भाई ये सॉन्ग डीएम आपको देना चाहते हैं, तो वो सॉन्ग जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देती हूँ। तो आप लोग के लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, और यू नो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यू नो अगर आप अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो आप लोग के लिए वो सॉन्ग कुछ हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि सॉन्ग्स में भी मैसेजेस होते हैं गाइस। और ऑल्सो पॉजिटिव ही रीडिंग्स अगर आप लोग को मिल रहे हैं ना, तो क्योंकि आपके डीएम आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आप भी अपनी सोच थोड़ी सी पॉजिटिव कर लीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल टाइम्स देखे होंगे आपने। हाँ, मैं जानती हूँ कि डीएम का जर्नी जो है पूरा ऊपर नीचे होता है, कभी भी सिमिलर नहीं होता, कभी भी सब चीज़ें सेम नहीं होती, एक जैसे नहीं होती, और बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अपनी डीएम की शक्ल ही नहीं देखनी, और कभी कभी आप लोग रीडिंग ये सिर्फ आपको लगता है कि आपके डीएम आपके साथ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, आपसे नफरत करते हैं, और आप बस वो कन्फर्म करने के लिए रीडिंग देख रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है गाइस? जो रीडिंग आ रही है शायद ये वाली आपके साथ रेजोनेट ना करे, शायद उससे पहली वाली रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे। तो जो आपके लिए रेजोनेट करता है, एक मिनट, जो आपके लिए रेजोनेट करता है उसी को आप अपने लिए मानिए। चलिए देखते हैं गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या निकल के आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, कोई परमानेंट शिफ्टिंग। किसी का तो वर्क प्लेस हमेशा के लिए शिफ्ट होने जा रहा है। ओके, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी डीएम की शादी हुई है और वो कहीं वर्क के लिए दूर रहते हैं, तो डीएम आपके शहर में आने वाले हैं और उधर ही सेटल होने वाले हैं। अगर आप लोग एक ही जगह पे काम करते थे या एक ही शहर में रहते थे और आपकी डीएम की शादी हो गई, और या वो काम से निकल गए कहीं और, तो या शादी करके घर चले गए थे, तो वो वापस आपके शहर में आते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके डीएम आपके नज़दीक आ रहे हैं फिजिकली, कि आप लोग मिल पाओ, आप लोग एक दूसरे को देख पाओ। ऐसा आपको मौका बहुत ही जल्द मिलने वाला है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्लस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके डीएम आपसे मिलने के प्लान बना सकते हैं, आपसे बात करने के प्लान बना सकते हैं, आपको जो है बेटर फील कराने के प्लान बना सकते हैं। लेकिन उनको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी इस चीज़ में, क्योंकि वो लोग अगर प्लान भी करेंगे तो इतनी जल्दी बात नहीं कर पाते हैं। देखिए गाइस, फिर से आ रहा है कि आपके डीएम आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, काम करेंगे आपके कनेक्शन के ऊपर, और आप लोग मिलोगे भी। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे नहीं लेकिन जो आप लोग देखते हो वीडियोस, उसमें से कुछ दो या चार लोगों का मीटिंग आज अपने डीएम के साथ हो सकता है।
और अगर आप लोग अपने डीएम से मिले तो आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहोगे कि हम जाए कि ना जाए, वो हमारे डीएम हमको बुला रहा है, बिल्कुल जाना है आप लोगों को। अगर आपका डीएम आपसे फ़ोन करे तो मैं फ़ोन उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ वो दुविधा रहेगी आपको, लेकिन उससे बिल्कुल बाहर निकलकर आपको आपके डीएम का फ़ोन उठाना है। शायद वो मिलने का प्लान बनाने के हिसाब से आपको कॉल कर रहे हो और आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो और आपकी साथ सब कुछ क्लियर करना चाहते हो, और आप वो डीएम एक्शन लेते हुए मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है और ये जर्नी कहाँ जा रही है गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स में वो भी क्लियरिटी कर लेते हैं। सेपरेशन एंड हो रहा है, ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर डीएम के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर से अगर डीएम आपको डायरेक्टली भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और फ्रेंड्स के थ्रू भी कर रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई और है तो नहीं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा मौका और भी बन रहा है कि आपके डीएम आपको डेफिनेटली एफर्ट लेकर कॉल कॉन्टैक्ट या मिलना या कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके डीएम आपको कॉल करे नेक्स्ट 48 आवर्स में तो भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में कि वो आपसे कहेंगे क्या। और अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कि अगर वो ऐसा कहेंगे, मेंटली नफरत वाली प्रिपेयरिंग या पॉलिटिक्स वाली प्रिपेयरिंग मत करना, ठीक है, दिल से बात करना है। हम डीएफ है और डीएफ अच्छे से बात करेगी तो ही डीएम सीखेंगे कि ज़िंदगी में अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं डीएम आपसे क्या कहेंगे अगर वो आपको कॉल या मिलेंगे आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि बहुत चांसेस है गाइस कि आपके डीएम आपसे मिले या बात करे। 90% के तो चांसेस यही है कि बात करे, ठीक है। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर, आई एम सॉरी आई कुडंट बी राइट बाय यू। कहीं ना कहीं आपके डीएम आपको सॉरी कहने के लिए कॉल करेंगे, बट डायरेक्टली कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कि मुझे ही तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए था, मुझे अपने फीलिंग्स सही से बताने चाहिए थे, मुझे ये बताना चाहिए था कि हाँ मुझे फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, मुझे फ़र्क पड़ता है इस कनेक्शन से, मेरे लिए तुम कितनी इम्पॉर्टेंट हो। वो उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया और अब उनको एक्सप्रेस करेंगे वो ये चीज़, ठीक है, बताएंगे कि हम लोग साथ हो सकते हैं और हम साथ आएंगे भी और हम मिलेंगे भी। ऐसे बहुत सारी बातें आपको पॉजिटिव सुनने को मिल सकती है। फाइंड यू वॉट आई नो नाउ आई वुड मेक डिफरेंट चॉइसेस। तो ये भी कह सकते हैं कि काश मुझे पहले ही पता होता और मैंने विश्वास कर लिया होता इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे तो इतने गलत डिसीशंस मैं नहीं लेता। आई फेल्ट बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिजर्व दिस। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो और ये सब तुमने डिजर्व नहीं किया और मैंने बहुत गलत बिहेवियर किया और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था और मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था और क्या तुम मुझे रिजेक्ट करोगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सवाल उनके मन में होगा कि मैंने अगर इसको कॉल मैसेज कर दिया तो क्या ये मुझे साफ रिजेक्ट कर देगी, आई एम नॉट द सेम पर्सन। तो ये भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं वो मतलब ये चीज़ होंगे कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम क्या कहोगी मुझसे और कैसे बिहेव करोगी और क्या मुझे तुम्हें कॉल भी करना चाहिए जो हुआ हमारे बीच उसके बाद, आई एम शॉक्ड। तो जो भी हुआ है और जो भी एनर्जी शिफ्टिंग और कनेक्शन चेंज और उसके बाद उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, उनको टावर मोमेंट्स लगे, उसके बारे में बताएंगे। समथिंग स्टिल इज़ मिसिंग फ्रॉम मी, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि भाई अभी भी कुछ मिसिंग है इसका उनकी लाइफ में और वो आप हो, ठीक है। तो ये आपको एक क्लियर हिंट मिल जाएगा, तो ज़रूर फ़ोन उठाइएगा। अगर मिलने बुला रहे हैं तो ज़रूर बुला जाइएगा, आपके लिए एक बहुत सुंदर टाइम इंतज़ार कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।